नमस्कार दोस्तों, TTC जोधपुर की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक मशीन टूल मेट्रोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। ये आपके सब्जेक्ट कोड की सबसे लास्ट यूनिट है और सबजेक्ट कोड है आपका ME 209। इस यूनिट के अंदर हमारे जो मशीन टूल्स हैं, जो हम वर्कशॉप्स में जनरली यूज़ करते हैं, उनसे रिलेटेड हम उन पे क्या क्या टेस्टिंग कर सकते हैं, उनको कैसे परफेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो मशीन टूल्स जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होते हैं वो है आपके लेथ, शेपर, ड्रिल, मिलिंग। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें लेथ और ड्रिलिंग के बारे में ही पढ़ना है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक में ऐसा हम क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको बेसिक थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ भाई। इस टॉपिक के अंदर हमें क्या करना है कि कुछ टेस्ट परफॉर्म करने, क्योंकि देखो हर किसी की रिक्वायरमेंट आजकल क्या है कि हमारा जो बनने वाला ऑब्जेक्ट है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन के बाद जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट का मतलब क्या है कि हमारी जो डिज़ायर डायमेंशंस हैं, जो डिज़ायर टॉलरेंसेज हैं, उसके अंदर होना चाहिए वो। यानी कि एक ऐसा जॉब प्रोडक्ट करना हमारा फंक्शन है कि जो हमारी स्पेसिफिकेशंस को या हमारे द्वारा डिज़ायर्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। तो इस सब के लिए हमें क्या चाहिए, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, हमारे ऑपरेशन की एक्यूरेसी भी एक्जैक्ट होनी चाहिए। इवन अगर आपका वर्कर स्किल्ड है यानी वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, अगर आपके मशीन्स में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपका ऑब्जेक्ट क्या है प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर्स डेवलप होंगी। तो उसी से रिलेटेड आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो हम इन पर परफॉर्म करते हैं, और हमारे सिलेबस में कुछ टेस्ट जो टेस्ट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि हम ये जानते हैं कि किसी भी फिनिश प्रोडक्ट की जो क्वालिटी और एक्यूरेसी यानी गुणवत्ता और यथार्थता किस पर डिपेंड करती है, आपके मशीन टूल की खुद की एक्यूरेसी पे जो हम उसको प्रोडक्शन में काम में लेने वाले हैं। मशीन टूल जैसे अभी अभी आपको बताया, आप दो एग्जांपल याद कर लीजिए, एक आपका लेथ और सेकंड इज अ मशीन आपकी ड्रिल मशीन, ठीक है। ये दो एग्जांपल आप अपने दिमाग में रखिए। तो हमें क्या है कि जो भी हमारा फिनिश वर्क बनने वाला है उसकी जो गुणवत्ता और यथार्थता है वो किस पे निर्भर करती है, आपके मशीन टूल के यथार्थता यानी एक्यूरेसी पे निर्भर करती है। अब वो एक्यूरेसी क्या है आगे बढ़ते हैं, तो इसी कारण से मशीन टूल को अलग अलग स्टेजेस में क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। टेस्ट का मतलब जैसे असेंबली के दौरान जब मशीन टूल को ला के असेंबल किया जाएगा, कंप्लीट एक सिंगल यूनिट बनाई जाएगी असेंबली के बाद, और ड्यूरिंग रिपेयरिंग या ओवरहॉलिंग का भी उसकी मेंटेनेंस होगी, तो फिर से उसको ये टेस्ट किए जाएंगे। तो वो टेस्ट है क्या, देखो टेस्ट मशीन टूल पे दो प्रकार के हैं। पहला है अलाइनमेंट टेस्ट यानी संरेखण, इस वर्ड से आप समझ जाएंगे कि आगे क्या आने वाला है। दूसरा है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अलाइनमेंट टेस्ट को जियोमेट्रिकल टेस्ट भी बोलते हैं। जियोमेट्रिकल यानी उसकी ज्यामिति से संबंधित, ज्यामिति से संबंधित क्या हो सकता है इसके अंदर हम जो चेक करने वाले हैं ज्यामिति संबंधित, वह है संरेखण यानी कॉसेंट्रिसिटी, दो एक्सेस आपस में एक दूसरे के समांतर है या नहीं है, एक दूसरे से कितनी निश्चित दूरी पर है या नहीं है, और दो केंद्र एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, क्या एक दूसरे के समान अक्ष पर हैं या नहीं है। तो ये सब चीज़ें चेक होने वाली हैं। अगला है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट जो है किसी भी मशीन की परफॉर्मेंस उसके बनने वाले प्रोडक्ट पर निर्भर करती है। तो इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट को पहले बनाया जाएगा, उस प्रोडक्ट के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाएगा, जिसे प्रैक्टिकल टेस्ट भी बोला जाता है। तो पहला है हमारा अलाइनमेंट टेस्ट, कि व्हाट इज़ द अलाइनमेंट टेस्ट और जियोमेट्रिकल टेस्ट। तो देखेंगे ये टेस्ट क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, चेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस मशीन एलिमेंट। हम इसमें क्या है, मशीन जो आप यूज़ करने वाले मशीन टूल उसके विभिन्न विभिन्न तत्व होंगे उनके मध्य संबंध को चेक करते हैं। संबंध जैसे जैसे कि उनकी फॉर्म्स, पोजीशन ऑफ मशीन टूल पार्ट्स एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू वन अनदर। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो लेथ है, लेथ का हमने ये यहाँ पे बनाया हेड स्टॉक, ये आपका नीचे बेड, यहाँ पे ये टेल स्टॉक, ठीक है, और ये इनका नीचे लेग। एक रफ डायग्राम है सिर्फ आपको समझाने के लिए,
जहाँ आपका ये चक लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ ये क्लियर है। तो अब इसमें हम क्या करना है, इसकी फॉर्म, फॉर्म यानी ये बेड इस लेग से 90 डिग्री पर है या नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अक्ष में है या नहीं है, ये दोनों की एक्सेस एक दूसरे के एक मतलब बिंदु से गुजरती है या नहीं गुजरती हैं, ये दोनों की एक्सेस इस बेड यानी जो लेथ का बेड रहता है उसके समांतर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें होंगी फॉर्म्स। पोजीशन ऑफ मशीन टूल्स, पोजीशन ऑफ मशीन टूल पार्ट जैसे हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, इनकी कुछ निर्धारित स्थितियाँ हैं कि यह कहाँ होना चाहिए और यह कहाँ होना चाहिए, इन दोनों के मध्य क्या संबंध होना चाहिए, इनके मध्य दूरी पर वो क्या है, और डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू वन अनदर। डिस्प्लेसमेंट यानी एक पार्ट का दूसरे पार्ट के सापेक्ष कितना विस्थापन होना चाहिए, यानी उनके अक्ष की स्थितियाँ क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। ये सब जो संबंध हम पढ़ने वाले हैं वो सब किस में आता है, अलाइनमेंट टेस्ट। अलाइनमेंट दिमाग में आप ये रखिए कि जनरली हम इन सब जितने भी एलिमेंट्स होंगे एक मशीन टूल के, उन सब के एलिमेंट्स का, उन सब के एलिमेंट्स का रिलेटिव पोजीशन चेक करेंगे, यानी इन दोनों के एक्सेस में क्या समांतरपन है या नहीं है, एक निश्चित दूरी पर है या नहीं है, क्या ये एक दूसरे से इंक्लाइंड है यानी कुछ कोण पर झुकी हुई है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। दूसरा है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट। तो परफॉर्मेंस टेस्ट को प्रैक्टिकल टेस्ट भी बोलते हैं, हम ये आपको बताएं। तो परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है, इसके अंदर हम सबसे पहले एक्चुअल टेस्ट जॉब को मशीन पर सबसे पहले तैयार किया जाएगा। इसमें मशीन की एक्यूरेसी किस तरीके से चेक की जाती है, परफॉर्मेंस टेस्ट यानी इसमें मशीन पर पहले पार्ट बनाएंगे, फिर उस जो जॉब तैयार हुआ है उसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट को हम हमेशा मशीन पर यह जानने के लिए परफॉर्म करते हैं कि वो जो पार्ट्स बन रहे हैं वो एक स्पेसिफाइड लिमिट में है या नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए लेथ पर मेरे को डायमीटर की टर्निंग करनी है, ठीक है, आफ्टर टर्निंग मेरे को जॉब चाहिए, उसका डाया होना चाहिए 40 mm, क्लियर है, और मैंने इसमें लिमिट दे दी कि मैं 40 प्लस माइनस 0.2, आप ऐसे करिए 40 प्लस माइनस 2 mm ले लीजिए, खाली 40 प्लस माइनस 2 mm, तो यानी मैं 42 डाया का भी ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा और 38 का भी, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, क्लियर है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट, क्या आपकी मशीन इस लायक है, ये परफॉर्म कर पा रही है नहीं कर पा रही, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक एक्चुअल जॉब उस पर तैयार करोगे, जॉब करके आप डाया मेजर करोगे, इफ़ इट इज़ 43 यानी कि जो मेरे को रिक्वायरमेंट है आप वो नहीं दे पा रहे हो, और अगर ये 37 mm का भी डाया प्रोड्यूस कर रही है तो भी आप मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। अगर ये 39 या 38 से लगाकर 42 तक का कोई भी डाया रिप्रेजेंट कर रही है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये होता है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है, समझ में आई चीज़। अब हमें ये देखना है कि भाई इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं। तो लिस्ट है आपके सामने, पहला जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है दैट इज़ अ डायल गेज, यह आपने वर्कशॉप में बहुत बार देखा होगा, टेस्ट मैंड्रल्स, स्ट्रेट एजेज एंड स्क्वायर, चौथा आपका स्प्रिट लेवल, ऑटोकॉलीमेटर और वेविनेस, ये दो प्राय आपको कम देखने को मिलेंगे, ये चार बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, सबसे पहले हम चलते हैं डायल गेज, ताकि हम इन पे थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट से गुजर लें कि भाई डायल गेज होता क्या है, हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है। तो डायल गेज देखेंगे तो डायल गेज की जो मेजरिंग एक्यूरेसी है वो कितनी है, 0.01 mm, इसकी एक्यूरेसी यानी 0.01 mm तक का डिफ्लेक्शन भी यह बता सकता है। मान लीजिए अगर ये सतह देखने में हमें समतल लग रही है लेकिन कहीं ये उबड़ खाबड़ है इस तरीके से, तो अगर इसकी ऊंचाई जो आंखों से हमें दिख नहीं रही है वो है आपकी 0.01 mm तक के ऑर्डर की, 0.01 mm तक के ऑर्डर की, तो ये उसको भी रीड कर लेगा, समझ आई चीज़। तो डायल गेज क्या होना चाहिए, ये है। अब तो डायल गेज की बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको दिख रही होगी, कुछ भी नहीं है, ये सबसे देखेंगे तो सबसे पहले ये जो एक रोटेरी स्केल लगा हुआ है इसके ऊपर यानी गोल्डन है ना, तो स्केल्स के अंदर ग्रेजुएशंस हैं, ग्रेजुएशंस यानी ये पार्टीशन दिख रहे हैं, ये ग्रेजुएशन सबसे पहले तो क्लियर होने चाहिए, क्लियर का मतलब इजीली हम उसको देख सकें, ताकि नीडल जहाँ है हम फर्क पहचान सकें कि वो किस पार्टीशन पे है। ये होता है लॉकिंग क्लैंप,
क्लियर है। ये है आपका नीडल और ये सामने का रोटेरी स्केल, ये ऊपर केस होता है, ठीक है। और ये है आपकी प्लंजर। प्लंजर ही उस सतह के संपर्क में रहता है जिस सतह पर हमें इरेगुलरिटीज या जो भी डिफ्लेक्शन हमें मेजर करना हो, तो प्लंजर आपका उस सतह पर संपर्क में रहेगा। जैसे जैसे प्लंजर मूव करेगा ऊपर या नीचे, भाई अगर कोई उसके अंदर असमानता होगी सतह के अंदर, तो ये प्लंजर को ऊपर या नीचे की तरफ धक्का देगी। तो ये जो मोशन होगा प्लंजर का, वो यहाँ पे किसके द्वारा, नीडल के द्वारा देख लिया जाएगा। तो नीडल आपको इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में रोटेट होकर बताएगा भाई कितना डिफ्लेक्शन है। तो एक तरीके से जो लीनियर यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, इसको रोटेरी स्केल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है। तो डायल गेज जब भी इंस्टॉल किया जाएगा, याद रखना है इसको रोबस्ट और स्टिफ यानी कि कठोर और मजबूत आधार इसको देना है, ताकि इसमें क्या हो कि शॉक, अगर वाइब्रेशन और शॉक्स कहीं उत्पन्न हो रहे हैं तो उस वजह से डिस्प्लेसमेंट पैदा ना हो जाए। मान लीजिए कि मेरे को प्लंजर से जो अधिकतम विस्थापन मिल रहा था या मेरे को देखना था, वो मेरे को पता था कि 2 mm के अंदर अंदर है, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि अगर यहाँ वाइब्रेशन और शॉक्स की स्थिति है, तो ये 2 की जगह रीडिंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेशन भी क्या करेगा, इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट पैदा करेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट्स क्या हो जाएंगे, आपकी जो रीडिंग आएगी उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि डायल गेज का जो बेस होगा, यानी जहाँ डायल गेज रखा जाएगा, जैसे इस पर रखा गया है, तो ये आधारित किया जाएगा, तो ये क्या होना चाहिए, एकदम रोबस्ट यानी मजबूत और कठोर संरचना, मजबूत संरचना होनी चाहिए। डायल इंडिकेटर को हमेशा कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट के साथ ही लगाया जाता है। ये देख लीजिए आप, ये इसका माउंटिंग स्टैंड है, ठीक है, जिसके अंदर इसको तो बेस बोलते हैं। ये आपका टूल माउंटिंग होल्डर है और यहाँ आपका पॉइंटर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अटैच किया जाता है, और ये बेस बहुत ज़्यादा वेट वाला होता है, तो इसको एक फिक्स जगह पे, समतल जगह पे रख दिया जाता है। इसके बाद है कि जो प्लंजर का प्रेशर है, प्लंजर जिस सतह पर टकर रही है, वो प्रेशर देखिए आप कितना वेरी कर रहा है, 20 से लगाकर 100 ग्राम तक। लेकिन जब फाइन मेजरमेंट लेने होंगे, तब हमेशा प्लंजर का प्रेशर क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर प्लंजर द्वारा लगाया गया प्रेशर ज़्यादा हुआ, प्रेशर इन द सेंस अगर मान लीजिए वो 80 ग्राम का यानी प्रेशर लगा रहा है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि नीचे जो सतह है उसमें जो उभार हो, उसमें इतना उभार हो ही ना कि ये प्लंजर को ऊपर की तरफ धकेल पाए, क्योंकि वजन ज़्यादा हो गया ना। तो अगर आपको फाइन मेजरमेंट लेने हैं, यानी बहुत सूक्ष्म माप लेने हैं, तो इसका वजन कम से कम होना चाहिए। तो जनरली हम जब फाइन मेजरमेंट लेते हैं, तो वजन कितना होना चाहिए, 20 ग्राम, ठीक है। जैसे जैसे आप वजन बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आपने 80 ग्राम या 100 ग्राम का इसके अंदर प्लंजर का प्रेशर डेवलप कर दिया, यानी जो प्लंजर द्वारा लगाया गया दाब अगर 100 ग्राम के नज़दीक है, तो आप बहुत ज़्यादा फाइन मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि प्लंजर का भार अब बढ़ चुका है। अगला है आपका टेस्ट मैंड्रल्स। टेस्ट मैंड्रल्स क्या होते हैं, देखिए अभी क्लियर होगा आपको कि टेस्ट मैंड्रल्स को किस लिए काम में लिया जाता है। ट्रू रनिंग ऑफ अ स्पिंडल, ट्रू रनिंग ऑफ अ स्पिंडल इट मीन्स जो अक्ष है स्पिंडल, उसके सापेक्ष घूर्णन गति करनी चाहिए, यानी इसका स्पिंडल का केंद्र इस अक्ष से ही गुजरना चाहिए। तो ठीक है, तो ये जांचने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ टेस्ट मैंड्रल्स। और जो क्वालिटी है मैंड्रल्स की, वो क्या होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए मैंड्रल आपका, मैंड्रल के अंदर खुद के अंदर कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। राउंडनेस होनी चाहिए, राउंडनेस मतलब अगर मैं इसका केंद्र से देखूँ, तो केंद्र रेखा से ऊपर जितना एरिया है, नीचे उतना होना चाहिए। सिमेट्रिसिटी वाला सेक्शन होना चाहिए, क्लियर है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट की आवश्यकता है। तो टेस्ट मैंड्रल्स को हार्डन किया जाता है, इसकी सतह को हार्ड किया जाता है, ठीक है, ताकि वो स्क्रैच रेजिस्टेंस वहाँ पे हो, खरोंच के खिलाफ प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो उसमें। स्ट्रेस रिलीव्ड किया जाता है और प्रॉपरली ग्राउंड किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस फिनिश वहाँ इसको फिनिश किया जाता है। और इसकी जो लेंथ है वो 100 से 300 mm के बीच बीच वेरी करती है। ये हम पे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम वहाँ पे कितने लेंथ का मैंड्रल यूज़ करेंगे। तो टेस्ट मैंड्रल आपके बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, होते तो दोनों सिलेंड्रिकल हैं, लेकिन एक मैंड्रल तो ऐसा होता है जिसमें टेपर शैंक होती है। सिलेंड्रिकल मैंड्रल तो होगा, सरफेस तो सिलेंड्रिकल होगी, लेकिन जो शैंक होगा दैट विल बी टेपर। और अनदर वन इज अ सिलेंड्रिकल मैंड्रल। तो जो टेपर वाला है वो तो किस लिए यूज़ किया जाता है, कुछ टेपर बोर हो उसकी ट्रूनेस चेक करने के लिए। टेपर बोर जैसे अभी आपको आगे क्लियर होगा, ठीक है ना, तो कोई टेपर बोर होगा उसके लिए। और ये क्या है, सिलेंड्रिकल मैंड्रल्स कहाँ हेल्ड किया जाता है, बिटवीन सेंटर्स, दो सेंटर्स के बीच में अगर हमें चेक करना हो तो सिलेंड्रिकल मैंड्रल यूज़ करेंगे। तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये देखिए,
ये है आपका सिलेंड्रिकल मैट्रिक्स, ये दो सेंटर हैं, एक सेंटर ये रहा और एक सेंटर ये रहा, इन दोनों सेंटर्स के बीच में इसको इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ इस बिंदु से लगाकर इस बिंदु तक, ये क्या है, मैंड्रल की लेंथ है, ठीक है। और ये है आपका सिलेंड्रिकल मैंड्रल विद टेपर शेंक, ठीक है, यानी इसका ये देखिए लास्ट वाला सेक्शन इस तरीके से टेपर्ड हो रहा है, तो ये आपकी क्या है, टेपर्ड शेंक। अगला है आपका स्ट्रेट एजेस एंड स्क्वायर्स। क्या होती है स्ट्रेट एजेस, देखिए स्ट्रेट एजेस मुख्यतः कास्ट आयरन या स्टील की बनी होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी होती हैं, हैवी इसलिए होंगी ना क्योंकि ये वाइब्रेशन से बहुत जल्दी अफेक्टेड ना हो, वेल रिब्ड होंगी, ये वेल रिब्ड स्ट्रक्चर क्या करता है, इनको स्थिरता और मजबूती प्रदान करता है। एट सीजन, सीजन का मतलब क्या है, इंटरनल स्ट्रेसेस से रिलीव होना चाहिए, तो उस पर हीट ट्रीटमेंट किए जाते हैं ताकि उसके अंदर कुछ इंटरनल स्ट्रेसेस हों तो उनको हटा दिया जाए। तो जो सरफेस होनी चाहिए वो स्ट्रेट एज की, दैट शुड बी पैरेलल टू इच अदर, यानी सरफेस, अभी आपको डायग्राम दिखाते हैं सरफेसेस का मतलब क्या है, तो दोनों सतह एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक सतह तो यूँ चल रही है और दूसरी सतह धीरे 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 इस तरीके से होगी, तो ये जो गैप है ये एक दूसरे का दोनों सतहों के बीच में क्या रहना चाहिए, अंत तक समान रहना चाहिए, ठीक है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट एज को कहाँ रखा जाता है, मशीन सरफेस पे, जहाँ पे हमें फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस, यानी किसी भी कंपोनेंट का हमें ये चेक करना है कि यह सीधा है या समतल है नहीं है, तो वह जांचने के लिए स्ट्रेट एज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर क्या है, दो सरफेसेस के मध्य यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए, स्क्वायरनेस के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि स्ट्रेट एज तो एक सतह का स्ट्रेटनेस यानी समतलनेस और आपका सीधापन कितना है, और ये दो सतहों के मध्य अगर आपको कंपेयर करना हो, दो सतहों के मध्य तुलनात्मक, तो ये देखिए ये इनका डायग्राम है, ये देखिए ये है आपकी स्ट्रेट एज, ठीक है, ये एक सतह और ये नीचे वाली सतह एक दूसरे के समांतर होंगी और ये बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये है आपका स्ट्रेट स्क्वायर, तो एक सतह ये और एक सतह ये, इन दोनों सतहों के बीच में ये इस तरीके से स्क्वायरनेस को दर्शाता है, मतलब कुल मिला के ये एक दूसरे के साथ कितने डिग्री के कोण पर हैं, इस अगर स्ट्रेट स्क्वायरनेस है स्टैंडर्ड तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा। अगला आपका है स्पिरिट लेवल, इस सबसे आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, ये बहुत जनों ने देखा होगा, स्पिरिट लेवल कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत जगह यूज़ करते हैं फ्लैटनेस चेक करने के लिए कि भाई सतह समतल है या नहीं है, तो स्पिरिट लेवल को यूज़ किया जाता है बहुत जगह। ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये शेप ऑफ बबल ट्यूब होता है विच इज़ माउंटेड ऑन अ कास्ट आयरन बेस, ये देखिए ये बबल ट्यूब है, ये कास्ट आयरन बेस पे और फ्रेम में पूरी तरीके से क्लैंप की हुई है, ठीक है। स्पिरिट लेवल की सेंसिटिविटी है दैट इज़ 0.04 to 0.06 mm पर मीटर फॉर ईच डिफ्लेक्टेड डिवीज़न, यानी हर मीटर लेंथ पे इसकी जो सेंसिटिविटी है वो इस अमाउंट की एरर तक को मेजर कर सकता है, यानी अगर इस सतह और इस सतह के अंदर, यहाँ अगर मैं पॉइंट कह दूँ ए और यहाँ पॉइंट ले लूँ बी, तो अगर इन ए और बी का अंतर यदि 0.04 mm भी हुआ एक मीटर की लेंथ में, तो ये उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। कैसे डिटेक्ट कर लेगा, मान लीजिए कि सतह है, अब ये समतल है नहीं है तो कैसे करेंगे, अपने इस पर स्पिरिट लेवल इस तरीके से रखा, अब हमें बबल की स्थिति देखनी है, यदि बबल केंद्र में है, बिल्कुल केंद्र में है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सतह एकदम समतल है, यदि ये सतह थोड़ी सी टिल्ट कर दी जाए, यानी कि कुछ इस तरीके से कर दी जाए लाइक दिस, अब आपने जब इस पर स्पिरिट लेवल रखेंगे तो आपको बबल क्या मिलेगा, थोड़ा इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये मूव करता रहता है। तो ये बबल की पोजीशन है, ये हमें बताएगी कि वो जो सतह है वह समतल है या नहीं है। अगला है आपका ऑटो कॉलीमेटर। ऑटो कॉलीमेटर बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही सेंसिटिव यानी बहुत सूक्ष्म, मानिए आसानी से पढ़ सकता है। इसे किस लिए यूज़ किया जाता है, डिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्ग बेड्स, यानी जब जो मशीन है जिनके बेड हों, जैसे लेथ का बेड है, जैसे हम जो देखी है वो बहुत छोटे छोटे बेड हैं, कुछ लेथ ऐसी हैं जिनका बेड अगर बहुत लंबे हों, तो उसके अगर कोई डिफ्लेक्शन हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और इंक्लाइन प्लेन्स में, तो उसको मेजर करने का काम आता है। मतलब ये आपका बेड ये है, ये हॉरिजॉन्टल अगर मैं इसको देखूँ तो ये इस डायरेक्शन में, अगर ये बहुत ही लंबा बेड है तो इट मे बी डिफ्लेक्ट लाइक दिस, तो ये जो डिफ्लेक्शन है इस डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए ऑटोकॉलोमीटर यूज़ करते हैं। इसका सिद्धांत दिखाया गया है, ये देखिए
है। तो इस तरीके से हम ये आईपीस हमारा यहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है, और ये सरफेस में जितना डिफ्लेक्शन होगा उसको भी इजीली डिटेक्ट कर सकता है। आगे है आपका वेविनेस। क्या चीज़ है वेविनेस? वेविनेस आपको बताई थी हम, सरफेस रफनेस की यूनिट जब पढ़ी थी तब हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेविनेस क्या चीज़ है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वेविनेस मीटर क्या है? जो वेविनेस अगर वहाँ उत्पन्न है तो उसको 50:1 यानी 50 गुना तक क्या करेगा, उसका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन करके रिकॉर्डिंग इसको क्या करेगा, इस सरफेस के पैटर्न को रिकॉर्ड कर लेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा भाई यहाँ पे कोई वेविनेस है या नहीं है।